चाहिए एक और दारू पी के जी माते शक्ल को बैन कर दिया जाए। जल्दी गाजर का हलवा दो। सो भाई दो रोटी ख़त्म हुआ और चटनी फिलहाल ख़त्म हो गया। मुनगा मैंने दो टोक निकाल लिया, खा लिया और अभी बचा फिलहाल मशरूम। सो हेलो बडीज, तो क्या हाल चाल है? अरे गिर गए। तो क्या हाल चाल है? ये है फड़ा, आज बना नाश्ते में फड़ा। किस तो आज नाश्ते में बना फड़ा चटनी के साथ। फड़ा बवाल, मजा आया इसका। जो भी घड़िया आदमी छत्तीसगढ़िया उन लोग तो जानते होंगे फड़ा क्या होता है, और बहुत लोग भी जानते होंगे जो छत्तीसगढ़ से कि फड़ा एकदम मजा आता है। और जब ब्राउनी ब्राउनी जलता है ना और चटनी के साथ खाने में तो भाई आज है लास्ट दिन पेपर का। आज लास्ट दिन दो पेपर होगा, उसके बाद भाई जो दबा के पढ़ना है क्योंकि 8 मार्च से 15 मार्च के बीच अपना पेपर कभी भी हो सकता है। बीकॉम वाले भाई ये सब ध्यान देना, फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर एक साथ ही होता है मान लो। एंड आप लोग भी ध्यान देना कि 8 मार्च और 15 मार्च के आसपास ही होगा। तो यार मैं करता हूँ नाश्ता, मिलता हूँ आप लोगों को फुल पावर एकदम। और बस यही है, आज लास्ट पेपर और निकलते हैं। आज 12 बजे निकलूँगा मैं घर से, तो मिलते हैं आप लोगों को तैयार वैयार होके। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे देखो सीरियल चल रहे हैं, यहाँ पे ये सब चलते रहते हैं। मर जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है, वापस आ जाता है, शादी हो जाता है, उसके साथ शादी हो जाता है, ये वो दुनिया भर का बस यही होते रहता है सीरियल में। बड़ा बेकार है, नहीं देखना चाहिए सभी सीरियल। सो नाश्ता करता हूँ, बहुत भूख लगी है, ट्यूशन से आया हूँ अभी, तो मिलते हैं फुल पावर। सो भाई तुम्हारा भाई हो गया रेडी? सो रेडी हो गया हूँ मैं, निकलते जिम बोलते हैं कॉलेज के लिए। और बच चुके हैं 12, तो 12 बजने वाले, गलत चीज़ आ गई तो यार 12 बजने वाले हैं, तो निकलते हैं हम लोग, लेट हो जाएंगे नहीं तो। और मिलते हैं आप लोगों को, रोमियो खड़ा है गेट के बाहर, तो मिलते हैं आप लोगों को। मेरी वहाँ वहाँ पे खाना वाना बना रही है, मैंने परवरा खा लिया फुल पावर एकदम, और निकलते चलो। तो भाई कचरा वाला कुछ नहीं काम लगे, लेट्स गो, निकलते फुल पावर एकदम। भाई मैं आ गया फिलहाल घर, और नाना नानी लोग आए हुए थे तो बैठा हुआ था उनके साथ, और ये आ गया हूँ मैं, तैयार यार हो गया हूँ। एंड जल्दी थोड़ी देर में निकलते, और आज बाइसेप वगैरह तो मारेंगे मस्त से, और गाजर का हलवा खाते हैं उसके बाद निकलते फिर। चलो चले, जल्दी गाजर का हलवा दो। कहाँ है गाजर का हलवा? So bye. पूरे 15 साल बाद मैं गाजर का हलवा खा रहा हूँ। वीडियो में टमाटर चटनी जैसे दिख रहा है भाई। बड़े दिन बाद भाई, बड़े दिन बाद। मैंने ना गुड़ से बनाया था, नहीं पता ये शक्कर का कि गुड़ का है। चलो चले जाओ, खा जाओ, जाओ। तो ये गाजर का हलवा चम्मच में आ जाओ, मम्मी चलेगा। माय गॉड, बड़े दिन बाद। क्या बताऊँ, मजा आ गया। मिलते हैं यार, मैं खाता हूँ जल्दी। तो भाई जल्दी 4:30 हो गया, माय गॉड तैयार हो गए। तो भाई यह जिम का और अच्छा खासा धूप निकला हुआ है, थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, और अभी फिलहाल ऐसे ठंडी तो कम हो गया है। और मैं अभी खड़ा हूँ जिम के बालकनी में, जिम
उनके बालकनी में खड़ा हूँ और जिम आ चुका हूँ मैं, तो मारेंगे यार, लेट नहीं करेंगे जा रहे हैं। ये देखो जिम अपना। तो भाई आज मारेंगे बाइसेप ट्राइसेप, या पिछले बार बाइसेप और ट्राइसेप को अलग अलग ले लिया था, तो इस बार एक साथ लेंगे अपन। और वहाँ पे चल रही टीवी, तो चलो चालू करते हैं, ट्राइसेप वगैरह करता हूँ मैं, चलते हैं। शक्ल को बैन कर दिया जाए। Yeah. Oh my God. Yeah, Ankush is here. Oh. एक ये एक और। दारू पी के जिम आते हैं। Free workout. Yeah. तो भाई सीन कुछ ऐसा है, मेरे को निकलना पड़ रहा है अभी दुकान, तो मैं अभी कर रहा हूँ वो इंडक्शन लेने के लिए, दुकान जा रहा हूँ अभी, और ये स्कूटी में जा रहा हूँ, और पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो दादी के घर से मैं इंडक्शन वगैरह लेके, दुकान से इंडक्शन वगैरह लेके दादी लोग के घर जाने, तो मिलते चलो। तो भाई बड़े दिन बाद मैं 10R में जा रहा हूँ, देख रहे हो, बड़े 10R में जा रहा हूँ। तो भाई क्या करना हुआ, मिलते हैं आप लोगों को आगे, दिखाते हैं दादी लोग के घर जाके, मिलते हैं आप लोगों को। वो तो आवाज आ रहा होगा, और ये टायर चला रहा हो, देखो 200 का स्पीड में चल रहा है, देख रहे हो। तो भाई ये इंडक्शन लेके आ गया हूँ मैं, तो निकलते हैं दादी के घर और मिलते हैं आप लोगों को फिर आगे, पावर एकदम। तो भाई मैं जा रहा था, और ये ऐसा कि देख रहा है लोग सामने स्कूटी में, भाई चार चार लोग बैठे हैं भाई स्कूटी में, खतरनाक टाइप के चार चार लोग बैठे हुए हैं एकदम, ऐसे तो मैं भी आपको कोई दिखाता नहीं था। चार चार लोग बैठे हैं भाई पे, दादा बैठे हुए हैं और मैं हूँ किचन में पानी पी रहा हूँ। तो भाई मैं निकल गया हूँ दादी लोग के घर से, मैं निकल गया हूँ दादी लोग के घर से, और अभी जा रहा हूँ घर में जाके बात करते हैं। तो हेलो जी, मैं आ गया फाइनली घर, और आ गया हूँ दादी लोग से, दादा लोग से मिलना भी हो गया, बहुत टाइम से मिला भी नहीं था, लास्ट बार वो जो मैंने आया था ना कॉन्ट्रोवर्सी वाला, उस टाइम मिला था खाना वाना खाने का, ऐसे तो तभी मिला था। तो सीन ऐसा कि अभी ना ये क्या खा रहा है, ये देखो क्या खा रही है, चावल दबा रही है, मैं बोला मेरे लिए खाना नहीं, मेरे लिए लिखाई नहीं, मेरे लिए खाई जा रही है, ये क्या बात है, मेरे को इतना भूख लग रहा है, बंदा इतना मेहनत करके जिम से आ रहा है, उसको खाना नहीं देना है, ये कैसे कैसे चलेगा। सो मेरी माँ खाना खा रही है, मुझे खाना नहीं दे रही है, एंड ये भैया का थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल बनाते हैं, मिलते हैं आप लोग। तो भाई मैं आ गया घर, और इंडक्शन वगैरह का सीन था वो जो बताया था, और दादा दादी लोग के घर से भी आ गया, मिलना भी हो गया, और बहुत टाइम से मिला भी नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया। और सीन ऐसे कि पापा का भी तबीयत थोड़ा सा तबीयत ख़राब है अभी, एंड बुखार उखार हो गया, तो इसीलिए मैं गया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा उतना निकल नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए पापा चल देते हैं, नहीं तो अगर खाली वाली रहता हूँ ना तो मैं चले जाता हूँ, बट अभी तो फिलहाल ऐसी मेरे पास जाना पड़ गया, क्योंकि पापा का भी थोड़ा तबीयत ख़राब नहीं है, और अभी ख़राब है। तो थकावट के मतलब ऐसी होता है, और क्या है मैं ज़्यादा देर रुका भी नहीं, 10-15 मिनट रुका, वो इंजेक्शन वगैरह और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम थे, तो मैंने वो सब निपटा के फिर थोड़ा सा लड्डू वगैरह खाया, मकर संक्रांति का,
तिली लड्डू एक ठो कॉर्न मोरल लड्डू एक ठो, मीठा मैं ज़्यादा खिलाता नहीं है मेरे से, पहले बहुत खाते थे यार, मीठा ज़्यादा खिलाता नहीं है, अब तो जिम चालू कर दिए तो उतना सब कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, तो नॉर्मल चीज़ें खाने का मन करता है। और हाँ, चिकन खाने का तो बेदम मन करता है, चिकन अंडा ये सब हो गया, और जितने भी प्रोटीन चीज़ें हैं वो सब। और अभी फिलहाल अभी खाना खाते हैं, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, और फाइनली आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो इसी खुशी पे खाते हुए मिलते हैं आप लोगों को मस्त से फुल पावर चुल्लेश्वरी। हाँ, और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सो गाइस, चिटिया कन्हैया भाई, चिटिया कन्हैया हो गई। सो हेलो, बड़ी तो यार सीन ऐसा है कि मैं बैठा हूँ अभी खाने, और जैसे मैं ज़्यादा कुछ मतलब खाने का रहता नहीं है, मेरे पसंद का बनता नहीं है, पाजी वगैरह तो वैसे मैं चालू कर रहा हूँ किसी कारण, थोड़ा बढ़िया हो रहा है। सो अभी खाना वाना मैं निकाला हूँ, सो आज इतना सारा खाने का ना आज मैं क्या बताऊँ। यार मतलब एक टाइम रहता है कि मतलब पहली बार हुआ इतना सारा सब्जी मेरे खाने का बना हुआ है, नहीं तो ना कुछ भी बनता था, कुछ भी आई मीन मेरे लिए करेला कुंदरू ये सब एट ऑल, ये सब मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं धीरे धीरे चालू करूँगा खाना। एंड आज का मैं दिखा देता हूँ क्या क्या सब्जी आज। ये भाभी ने मशरूम भेजाया था, मशरूम, टमाटर चटनी, केला एंड मुनगा दाल। मतलब मशरूम फुल पावर एकदम प्रोटीन, केला कार्ब्स, और ये दाल प्रोटीन एंड चटनी, चटनी खिचड़ी ऐसी खाओ और निकाल खाओ और वो वाला। सो मिलते हैं यार खाने के बाद, बहुत भूख लगी है, मिलते हैं आप लोगों को। सो भाई दो रोटी ख़त्म हुआ और चटनी फिलहाल ख़त्म हो गया, मुनगा मैंने दो टोक निकाल लिया खा लिया, और अभी बचा फिलहाल मशरूम एंड केला। तो दो रोटी और मैंने मतलब आज चार रोटी खा लिया मैं थोड़ा सा, नहीं तो दो या तीन ही खाता होगा। एंड ये दाल बचा हुआ है एंड ये केला मशरूम एंड बाबू भैया का ब्लॉग। सो मम्मी लाती रोटी, खाते हम लोग फुल पावर एकदम, आप लोग भी खाओ। सो फाइनली रोटी आ गया है, एक ही रोटी आया है, बन रहा है। ये हो गया मेरा सिंहासन तैयार, वहाँ पापा सो रहे करके, तो अपन यही बैठ रहे हैं, और वहाँ पे चल रहा है साफ सफाई मेरी माँ का, देखो। एंड चलो चलते हैं ये सब को रख के और ब्लॉक को करते हैं एंड, मतलब चलता हूँ मैं भी, और आप लोगों को भी होप सो आज मज़ा आया होगा, और हम लोग जल्द से जल्द ट्रिप चालू करने वाले, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, तो यार आप लोगों को सपोर्ट चाहिए जिससे रेवेन्यू बने और थोड़ा और बजट बढ़ाते जाए, और उसके अनुसार अपन ट्रिप प्लान करते जाए, भाई बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, बस आप लोग कुछ नहीं करना, सपोर्ट करना फुल पावर एकदम, और फुल मज़ा करेंगे यार। सब्सक्राइब करने में लाइक करने में किसी को कुछ नहीं जाता, ब्लॉग देखो मस्त से और फुल पावर, हम नया नया लाते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा अपन नया नया आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो यार कल, हाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं हेलमेट लेने वाला हूँ नया, ये खोपड़ा से थोड़ा सा हट के, और थोड़ा सा ग्राफिक वाला अच्छा से मेरे बजट के अंदर में मिल जाएगा, तो अपन लेने वाले हैं, और कल हो सके तो कल ब्लॉग में हेलमेट वाला बन सकते हैं, क्योंकि एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया है वो एवी राइडर CUG 7 वाले, तो उनको बोला हूँ मैं कि कल फ्री हो गए तो मेरे को बताना कि अपन जाएंगे फिर हेलमेट वगैरह लेने के लिए, तो हेलमेट वगैरह लेने के लिए जा सकते हैं। सो देखते हैं यार आप लोगों को दिखाएंगे कि मैंने कौन सा वाला लिया है, एंड ब्लैक में ही लूँगा, ब्लैक में ही ज़्यादातर गाड़ी सूट होता है, क्योंकि दूसरा लूँगा फिर मान लो आगे जाके दूसरा नया गाड़ी लेते हैं तो क्या है, दिक्कत हो जाएगा ना, फिर सूट नहीं होगा, तो इसलिए ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि हर गाड़ी में सूट हो जाता है, और ब्लैक में थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह देखेंगे, और जो अच्छा लगेगा देखेंगे, वो तो कल ही पता चलेगा, देखने बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या है। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, दिस इज रेडी प्रोडक्शन ब्लॉग शाइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, फुल पावर एकदम सपोर्ट कर दो, अपन नया नया चीज़ लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।
बाय। ऐसी जी हम ना बाय।